हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो देखिए, इस वीडियो में हम आपके साथ एक बड़ा अपडेट शेयर करना चाहेंगे जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है। और जैसा कि आप लोगों ने पास्ट में कई बार हमसे पूछा था कि जो डिफेंस इंडेक्स है इसका मार्केट में ETF कब लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, और फाइनली इसी के ऊपर एक बड़ी अपडेट आ रही है जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। और आप यहाँ देख सकते हैं, तो आप यहाँ ये न्यूज़ पढ़ सकते हैं, द हिंदू बिजनेस लाइन की ये न्यूज़ है। तो पढ़ सकते हैं, ग्रो फाइल्स पेपर टू लॉन्च निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF। तो जैसा कि ये न्यूज़ है और इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ग्रो ने जो फाइल कर दिया है पेपर्स टू सेबी टू लॉन्च निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF। तो जैसा कि आपको पता ही होगा, किसी भी AMC को या म्यूचुअल फंड हाउस को जब भी कोई ETF का इन्फो लाना होता है या म्यूचुअल फंड का इन्फो लाना होता है तो पहले उसे सेबी से अप्रूवल लेना होता है। तो वही काम यहाँ पर ग्रो ने फिलहाल कर दिया है कल के दिन, और ग्रो ने फाइल कर दिए हैं डॉक्यूमेंट्स सेबी के पास टू लॉन्च निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF। और जल्द ही आपको ये अप्रूवल्स वगैरह जो है वो सेबी की तरफ से आपको मिल जाएंगे ग्रो ऐप को। तो ग्रो म्यूचुअल फंड की तरफ से आपको जल्द ही ये ETF मार्केट में आता हुआ देखने को मिल सकता है, और इसका इन्फो आपको बाज़ार में आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पूरी न्यूज़ पढ़ भी सकते हैं, ग्रो फाइल्स पेपर टू लॉन्च निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF, जो कि आप यहाँ सारा कुछ देख सकते हैं। और ये 16 जुलाई की न्यूज़ है। तो जल्द ही ग्रो को सेबी की तरफ से अप्रूवल्स वगैरह मिल सकते हैं, और निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF का इन्फो मार्केट में जल्द ही आता हुआ देखने को मिल सकता है, जिसमें कि आप निवेश कर पाएंगे। और यहाँ पर आप नीचे आकर सारी डिटेल्स वगैरह भी देख सकते हैं। तो ये सारी कुछ न्यूज़ निकल के आ रही है, और ये उन लोग के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है जो लोग ETF के थ्रू डिफेंस सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं। बाकी आप यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है जो कि ग्रो ने हाल ही में ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल किए हैं, और ये 21 घंटे पहले की न्यूज़ है। आप यहाँ इस वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ सारी डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाएगी। ये सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, और आप यहाँ देख सकते हैं ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF, जो कि ग्रो ने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह फाइल कर दिए हैं। और यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये यहाँ पर ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ETF लिखा हुआ है। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इन्फो के आगे या जो ओपन डेट्स और क्लोजिंग डेट है ये अभी मेंशन नहीं है, क्योंकि अभी अप्रूवल्स वगैरह मिलना बाकी है। और जब इसका इन्फो आ जाएगा तो यहाँ पर हम आपके साथ चीज़ें डिस्कस कर देंगे, और आपको सारा डिटेल वीडियो प्रोवाइड कर देंगे कि कब इसका इन्फो आएगा, इसकी स्टार्टिंग डेट क्या होने वाली है, क्लोजिंग डेट क्या होने वाली है। पर अभी इन्फो आना बाकी है क्योंकि अभी अप्रूवल्स भी मिलना बाकी है सेबी की तरफ से। और जैसा कि हम आपके साथ और भी चीज़ें बताना चाहेंगे कि देखिए, जैसा कि ये जो ETF है इसमें लोग का काफ़ी अच्छा रिस्पांस देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले म्यूचुअल फंड में जैसा कि हमें बहुत ही अच्छा रिस्पांस देखने को मिला था, जो कि मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडिया का जो इन्फो आया था वहाँ पर लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ करके निवेश किया है, और इस इन्फो में तकरीबन 1600 करोड़ के ऊपर का निवेश लोगों ने किया है, और इतिहास में इतना बड़ा इन्फो जल्दी देखने को नहीं मिला था। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट इन्फो था म्यूचुअल फंड के इंडस्ट्री का, और जिससे ये पता चल रहा है कि लोग डिफेंस सेक्टर में काफ़ी हद तक निवेश करना चाहते हैं, और यहाँ पर निवेश भी आता हुआ देखने को मिला है। और ये म्यूचुअल फंड हाल ही में लिस्ट हुआ है, और जब म्यूचुअल फंड में इतना लोग का निवेश आता हुआ देखने को मिला है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब इसका बाज़ार में ETF आ जाएगा तो वहाँ पर और भी ज़्यादा निवेश आने की उम्मीद है। क्योंकि देखिए, जो लोग हैं वो म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में ETF में निवेश करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और इसका ETF जब मार्केट में आ जाएगा तब जाहिर सी बात है लोग का बढ़ चढ़ कर निवेश इसमें आने वाला है। और ये जिस इंडेक्स को कवर करने वाला है वो भी हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो ETF आएगा ग्रो की तरफ से तो ये इसी इंडेक्स को कवर करेगा, जो कि निफ्टी इंडिया डिफेंस टोटल रिटर्न इंडेक्स है, जिसको कि ये जो मोतीलाल ओसवाल का जो डिफेंस वाला फंड आया था तो वो भी इसी इंडेक्स को कवर करता है। तो ये जो अब ETF आएगा वो भी इसी इंडेक्स को कवर करेगा, और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि नंबर ऑफ स्टॉक्स कितने हैं, 15 हैं, और यहाँ पर रिटर्न वगैरह भी आप यहाँ सारा चेक कर सकते हैं। बीते एक साल का रिटर्न तो काफ़ी शानदार है, 169% का रिटर्न शो कर रहा है, और बीते 5 साल का जो CAGR है वो 58% का है। तो इतना ज़्यादा रिटर्न है, इसी वजह से लोग इस इंडेक्स में निवेश करना चाहते हैं। और देखिए, आपको समझना होगा कि हर साल आपको इतने रिटर्न नहीं मिलेंगे, पर फिर भी यहाँ पर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है अगर आप यहाँ लॉन्ग टर्म में निवेश करेंगे। तो बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पढ़ सकते हैं, पी रेशियो 64 का है, थोड़ा सा ज़्यादा है, और यहाँ PB रेशियो वगैरह देख सकते हैं, डिविडेंड यील्ड है 0.38 की है, और यहाँ पर जो टॉप 10 स्टॉक हैं उनका वेटेज आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये सारी न्यूज़ निकल के आ रही है जो कि हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। आई होप ये न्यूज़ आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो स्टॉक मार्केट से जुड़े और म्यूचुअल फंड से जुड़े ऐसे ही अपडेट सबसे पहले पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।